मोदी जी ने बोला था कि काला धन हम इस देश से बाहर निकालेंगे और कई कंपनी जिन पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं वही कंपनियां अब उनको चंदा देते हुए दिखी हैं। बिल्कुल, तो उनके वो क्यों उनको चंदा दे रही हैं ये एक सवाल बनता है। हाँ जी, इसी बात की एक और लिस्ट भी पूरी मौजूद है, ये तो सभी देख सकते हैं, कोई मैं अलग से यूनिक लिस्ट नहीं लेके आया, जिन जिन कंपनियों के ऊपर ईडी आईटी सीबीआई के छापे पड़े और उसके बाद उन्होंने क्या करा। सबसे पहला नाम आता है इसमें डीएलएफ का, 25 जनवरी 2020 को डीएलएफ पर सीबीआई का छापा पड़ा, 9 अक्टूबर 2019 को डीएलएफ ने बॉन्ड खरीदे, इनको चंदा दे दिया। आज 2019 के बाद से 2024 आ गया है, अभी तक कुछ नहीं पता कि उस डीएलएफ पे सीबीआई के छापे का क्या हुआ, क्या उसके ऊपर एक्यूज करा गया उसे, क्या उसके ऊपर आरोप लगे थे, क्या हुआ, मामला गया ठंडे बस्ते में। दूसरे नंबर पे आती है डिवीज लैब, 19 फरवरी 2019 को डिवीज लेबोरेटरी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, 5 जुलाई 2023 को डिवीज लेबोरेटरी ने बॉन्ड खरीदे, इनको चंदा दे दिया, मामला गया ठंडे बस्ते में। ये सब 19 से शुरुआत होती है। नवयुग इंजीनियरिंग, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसको मुनस्यारी में टनल बनाने का ठेका मिला था, 18 अप्रैल 2019 और 10 अक्टूबर 2022 को नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी, इसके बाद इसको 1440 करोड़ का ठेका दे दिया गया सुरंग बनाने का। उसके मामले के जांच में अभी तक कोई जांच नहीं हुई, जो 41 मजदूर फंसे कैसे कैसे, वो सब स्टैंडर्ड का माल लगा रहे थे, क्या उनके इंजीनियर थे, क्या थे, वो वहाँ पे अभी तक इसकी पोल खुली नहीं और ना वो खुलने वाली। उसके बाद आज कहा था यूनाइटेड फास्फोरस, 23 जनवरी 2020 यूनाइटेड फास्फोरस पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, 15 नवंबर 2022 को उसने जो है चुनावी बॉन्ड खरीदे, दे दिए चंदा, मामला खत्म। आईपीएफ एग्रो, यशोदा हॉस्पिटल, 26 दिसंबर 2020 को गाजियाबाद का जो यशोदा हॉस्पिटल है उस पर छापे पड़े, बेंगलोर में इसका हॉस्पिटल है उस पर छापे पड़े और इसके हैदराबाद में हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ी चेन है, उस पर छापे पड़े, 26 दिसंबर 2020 की बात है। अप्रैल 2021 में यशोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और इनको डोनेट कर दिए। उसके बाद आज 20 से 24 आ गया, 4 साल में उस आईटी रेड का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उनके खातों में हेराफेरी पकड़ी, कोई नहीं जानता इस बात को, क्यों, क्योंकि सत्ताधारी को पार्टी को चंदा दे दिया, बात खत्म होगी। इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट जो है, ये 25 लोगों की लिस्ट तो अभी हमारे पास मौजूद है और अभी और डिटेल में निकलेगी। वेदांता है, बड़े बड़े नाम है जिनके ऊपर पूरी डेट के साथ है, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसके बाद ये हेथ्रो ड्रग्स है, उसके ऊपर यशोदा हॉस्पिटल के बाद हेथ्रो ड्रग्स है, हल्दिया इंजीनियरिंग है, चेन्नई ग्रीनवुड्स है, हेरोमोटो है, फ्यूचर गेमिंग है, टोटल सर्विसेज है, जिंदल स्टील पावर है, माइक्रो लैब है, इनकम टैक्स कर छापे। गैप देखिए कितना कितना है, कुछ कुछ महीनों का गैप है, छापे पड़ते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, डोनेट कर देते हैं, सारा का सारा मामला वहीं का वहीं रफा दफा। फिलहाल मैं 25 लोगों की लिस्ट अब तक निकाल के ला के जा चुका हूँ, जो ये भी अवेलेबल है, बाकी और भी मिलनी शुरू हो जाएगी, सबके निकलेंगे, सबके कच्चे छट्टे खुलेंगे खुलेंगे। ये सारे के सारे लोग वो हैं, जैसे अभी आखिरी में मित्तल ग्रुप का आता है 27वें नंबर पे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चंदा चाप दिया बीजेपी सरकार में, गुजरात में सबसे बड़ा स्टील प्लांट का धंधा दे दिया उन्हें, किसी को धंधा दे दिया, किसी की आईटी सीबीआई ईडी की रेड जो है वो वहीं की वही नल एंड वॉइड कर दी गई। तो इसलिए इसको धमकी भरा सीधे से बात है, 6,066 करोड़ का चंदा बीजेपी को क्यों मिला, वो इसी तरह से तो मिला, किसी के ऊपर आईटी, किसी के ऊपर सीबीआई, किसी के ऊपर ईडी, किसी के पास, तीनों ने मिलकर छापे डाले, जब उनको दबोच लिया उन्होंने कहा साहब हम चंदा दे रहे हैं, हमें छोड़ दो, चंदा दो, बात खत्म, सारे के सारे मुद्दे दबा दिए गए। अब ये निकल के क्यों सामने आ रहे, जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, वरना आज आज आप देखिए टीवी मीडिया का हाल क्या है, सबसे ज्यादा लोग टीवी मीडिया देखते हैं, सुबह से आज शाम हो गई, अभी तक किसी टीवी मीडिया ने किसी चैनल पर एक भी डिबेट इस बारे में करी है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का काला धंधा जो खुला है इस पर कोई डिबेट नहीं है। वो सीए को लेकर बैठ गए हैं, वो धर्मगुरुओं को लेकर बैठ गए हैं, सीए होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, परसों इसी बात पर मामला खुला था, परसों शाम को उसने अधिसूचना जारी कर दी कि हम सीए लेके आ रहे हैं, इमीडिएट ध्यान भटकाने की साजिश थी, लेकिन ये मामला खुल गया है। कम से कम जो 10-15% जो जागरूक वोटर होता है वो इस चीज को समझेगा और वोट कटौती इनकी निश्चित है। मोदी जी के दो मित्र जिनकी बहुत बात होती है, अंबानी और अडानी की, तो कहा जा रहा है उनका नाम लिस्ट में नहीं आया, तो क्या वो एक फ्यूचर गेमिंग के वो शेल कंपनी के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? शेल कंपनियों का मुद्दा तो पिछले साल भी आपने देखा था, संसद में उठा था, जब अडानी के 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, शेल कंपनियों के हैं, तो उस बारे में मुद्दा उठाया गया था, जिस सांसद ने मुद्दा उठाया उसी सांसद को संसद से बाहर कर दिया, जब सांसदों ने ज्यादा उठाना शुरू करा उस मुद्दे को, तो 143 सांसद बकायदा सस्पेंड कर दिए गए थे, निष्कासित कर दिया गया था उनसे। तो ये शेल कंपनियां लगातार उनकी बनी हुई हैं, जिन शेल कंपनियों ने ये हरकतें करी, और जो गेमिंग कंपनी है फ्यूचर कंपनी उसकी चोरी पकड़ी गई। तीसरी बात आप देखते हैं कि अडानी और अंबानी का जो है नाम सामने नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अभी सामने उनके भी नाम आ जाएंगे, अभी जितने लाभार्थी और जितने उनके जो है खरीदार हैं उनमें अभी 1550 लोगों का डिफरेंस अभी भी मौजूद है, जिसमें लाभार्थी ज़्यादा है खरीदने वाले और उनके खरीदार जो है वो अभी जिनकी आंकड़े जारी करेंगे उसमें 1550 लोगों का डिफरेंस है, 1550 नाम और खुल जाएंगे तो अडानी और अंबानी भी सामने आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें देर नहीं लगेगी जी। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो सीरियल नंबर डाला जाता है वो सीरियल नंबर अभी मैच नहीं हो रहे हैं, जब वो मैच हो जाएंगे तो ये शेल कंपनियों के खाते इनके सामने भी खुल के सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अडानी ने चंदा नहीं दिया या अंबानी ने चंदा नहीं दिया, अडानी अंबानी तो लगातार इनकी सेवा में लगे रहते हैं, आपने मोदी जी की लगातार तस्वीरें देखी हुई अडानी के प्लेन में बैठे हुए, चार्टर्ड प्लेन में बैठे हुए, तो वो भी तो एक किस्म का चंदा ही है, वो भी तो एक किस्म का भ्रष्टाचार ही तो है, सीधी सी बात है।
जी, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी SBI ने अब यूनिक कोड नहीं दिया, तो क्यों, क्या लग रहा है क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या कोई दबाव? कोशिश उसकी पूरी थी कि मैं किसी तरह से ये दे के बच जाऊँ, वो दे के बच जाऊँ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इनको बख्शने के मूड में नहीं है। 18 तारीख का इनको टाइम दिया गया कि 18 तारीख तक जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी सार्वजनिक करो, आप यूनिक नंबर जो है उनको भी सार्वजनिक करो, जो बचे हुए 1550 है इनको भी सार्वजनिक करो। तो आज 15 तारीख तो होगी, 16-17 दो ही दिन बीच में, सोमवार को ये भी पोल पट्टी खुल के सारी सामने आ जाएगी। बस बोला जा रहा अभी भी पूरा डेटा सामने नहीं आया, तो क्या कुछ कंपनी है, कुछ नाम है जिनको छुपाने की कोशिश? बिल्कुल करी जा रही है, मैं बताया तो आपको कि 1550 कंपनियां जो है वो अभी भी, ये पूरा इसका आंकड़ा है जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी मौजूद है, और जिसमें अभी 20,421 जो है वो लेने वाले लाभार्थी हैं चुनावी बॉन्ड को कैश कराने वाले, और देने वालों के नाम जो सार्वजनिक करेंगे वो 18,871, यानी 1550 अभी भी गैप है जी। जिनका नहीं पता चल पा रहा कि ये 1550 लोग कौन है, इन्होंने कितने के बॉन्ड खरीदे, कितने किस किस को दिए, किस तरह से करे, तो ये भी अगले दो दिन में खुल के सामने आएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का प्रशंसनीय फैसला है, स्वागत करते हैं हम इसका। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी कंपनी से भी लिया गया है चंदा, वो भी पुलवामा अटैक के आसपास के ही बीच में, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैल रहा है, लेकिन इसके सोशल मीडिया की फैक्ट चेकर कई सारी साइटें हैं जिसमें उन लोगों ने फैक्ट चेक करा कि वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, POB कहा जा रहा है। मैं भी उसकी लिस्ट बनाई थी, लेकिन जब मैंने 2-3 जगह से उसको चेक करा तो पता चला कि वो पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, वो दिल्ली में रजिस्टर, उसका GST नंबर वगैरह सब ये निकाला था, तो दिल्ली की कंपनी थी। मैं उसकी डिटेल बता देता हूँ, तो उस मसले पे सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं नहीं चाहता किसी भी किस्म का भ्रम, चाहे वो सत्ताधारी के पक्ष में चाहे वो विपक्ष के पक्ष में, भ्रम नहीं फैलना चाहिए। ये कंपनी थी पाक की पावर कॉर्पोरेशन हब, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की कंपनी है, इसने भी चंदा दिया, लेकिन फैक्ट चेक में जब ये मिला कि ये पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड कंपनी है, इसका GST नंबर डाल के जब डिटेल निकली तो ये दिल्ली में रजिस्टर्ड कंपनी पाई गई है, तो मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ, मैं गलत बातों को सपोर्ट कभी नहीं करता, ये गलत है तो गलत है जी। अच्छा ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा सामने आया उनको किस तरीके से पीछे बता देंगे, मैं हो गई बात आपसे पूछे कैसे किस तरीके से, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, आप ही बताइए क्या हो गया, और मैडम पूछ रही है आपकी क्या राय है उसको लेकर, मेरी अभी कोई राय नहीं, मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा सामने आ गया है, कई सवाल उठने लगे हैं, तो क्या आपका विचार है इस डेटा और आंकड़े को लेकर? चोरी पकड़ी गई, जिस चोरी को छुपाने की कोशिश में लगे हुए थे सरकार और SBI, वो खुल के अब सामने आ गई है, जिस चंदे की चोरी को ये छुपाना चाहते थे वो एक फटकार में खुल गई। अब आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि जब इन्होंने 30 जून तक का टाइम मांगा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो एक ही दिन में उन्होंने सारा डाटा सबमिट कर दिया, इसका मतलब डाटा सारा था उनके पास, पहले से सबमिट था, लेकिन वो उसे छुपाना चाहते थे, रोक के रखना चाहते थे कि 30 जून तक इलेक्शन निपट जाएंगे, फिर से नई सरकार आ जाएगी, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, चुनावों पर इस चीज़ का असर पड़ेगा नहीं, तो उस असर से बचने के लिए SBI ढीलापंथी दिखा रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कर दिया, और अब सामने आ गया, पता चल गया कि 6,066 करोड़ रुपये का चंदा जो है वो अकेला BJP के खाते में गया, और कौन कौन सी पार्टी को नहीं दिया और कैसे कैसे दिया है वो भी पोल खोल के सामने आ गई है, कि किस किस पार्टी ने उनको चंदा दिया और किस किस कंडीशन पे दिया। जब उनके का ED की रेट पड़ी है, IT की रेट पड़ी है, CBI की रेट पड़ी है, तो इमीडिएट उन लोगों ने चंदा जो है बॉन्ड खरीदे और पार्टी को चंदा दे दिया जी। तो आज वो जो है CBI की जांच, ED की जांच, IT की जांच जो है वो सारी की सारी ठप हुई पड़ी है जी। सबसे बड़ा नाम आता है इसमें गेमिंग कंपनी का जी, फॉर्च्यून कंपनी जो है, सट्टा किंग जिसे वो कहा जाता है, सेंटिनियो मार्गो, क्या नाम है उसका, कुछ इस तरह से कुछ सेंटिनियो मार्गो या मार्गो सेंटिनियो कुछ नाम है सट्टा किंग, उसने इस बारे में सबसे ऊपर उसका लाभ आ रहा है कि 1400 करोड़ रुपये का चंदा उसने दिया जी। चलाता क्या है, सट्टों की ऐप, सट्टा जो है हमारे देश में गेमिंग एक्ट जो है गैम्बलिंग एक्ट में आता है, गलत काम कर रहा था, गलत काम को सही करने के लिए सत्ताधारी पार्टी को दिया चंदा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने चंदा दे दिया, और जबकि उसकी फ्यूचर गेमिंग की जो है नेटवर्थ ही बताई जा रही है कि वो मात्र 500 करोड़ रुपए की जो कंपनी है, और उसने 1400 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिए, तो यानी शेल कंपनियों के लिए से खरीदे और दिए, चुनावी चंदे का काला धंधा तो सामने आ ही गया ना सबके सामने जी। यही सवाल उठ रहा है कि फ्यूचर गेमिंग और ये मेगा इंजीनियरिंग जो कंपनी सबसे ऊपर आई है, इनके पास आखिर इतना पैसा आया कैसे जो वो इतने चंदा दे रहे हैं, करोड़ों के चंदा दे रहे हैं शेल कंपनियों के थ्रू दे रहे हैं, और वही है कि कहीं ना कहीं से इन्होंने जो हेरा फेरियाँ करी है, जो भ्रष्टाचार करा है पार्टी ने, घुमा के उन्हीं के थ्रू चंदे के तौर पर ले लिया, जिसको सही साबित करने की कोशिश में लगे। शुरुआत होती है इसकी 2017-18 से, जब अरुण जेटली साहब इस काम को लेके आए थे चुनावी चंदे को, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की उन्होंने शुरुआत करी थी जी, तो तभी इस बारे में आगाह करा गया था कि ये चुनावी चंदा जो है ये गंदा धंधा है, ये ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका है सारा, और यही हुआ। जब उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लॉन्च करे तो उसके बाद ही जो वित्त मंत्री हुआ करते थे उस टाइम में, वो उसके बाद कॉरपोरेट घरानों का 20,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स जो है वो माफ कर दिया गया था जी। उधर से उनको 20,000 करोड़ का टैक्स माफ करा, उधर से उन्होंने उनको चंदा देना शुरू कर दिया। तब तक कोई पारदर्शिता नहीं बरती जाती थी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा और दे दिया, आपने उसको कैश करा लिया, किसने लिया किसको दिया कोई नहीं जानता था इसको, फॉर्च्यून कंपनी है वो इसको जो है रेगुलेट करती थी, और SBI के थ्रू इनकी
बिक्री होती थी, 29 राज्यों में हर एक ब्रांच इसको बेचती है। तो तब तक ये चला आ रहा था, जब इसमें पता चला कि घपला इतना ज़्यादा बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सक्रिय हुआ, तब जाके इस पर परतें खुलनी शुरू हुई हैं। तो वो घपला तब से शुरू हो गया और अभी तक चला आ रहा है। आज वो बढ़ के कहाँ तक पहुँच गया, हज़ारों करोड़ तक पहुँच गया, जिसके सबसे बड़े लाभार्थी बीजेपी है, दूसरे नंबर पे टीएमसी है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस भी लाभार्थी है चंदे की। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कहते हैं कि विपक्ष इस मसले में क्यों नहीं उठाता, विपक्ष इस मसले में क्यों नहीं है। उनको जो चंदा मिला वो लीगल तरीके से मिला, बीजेपी पे चंदा लिया ईडी की रेट डाल के, आईटी की रेट डाल के, सीबीआई की रेट डाल के, पूरी बकायदा इंटरनेट पे आज लिस्ट मौजूद है कि आप देखेंगे कि फॉर्च्यून कंपनी की लिस्ट, फॉर्च्यून पे आईटी की रेट पड़ी, इमीडिएटली उसमें चंदा दिया वो बरी हो गया। और यशोदा हॉस्पिटल जो है उसके ऊपर आईटी की रेट पड़ी थी, बेंगलुरु में उसके ठिकानों पे आईटी की रेट पड़ी, उसने इमीडिएट जो है इनको बीजेपी को 152 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया, वो आईटी की रेट से बरी हो गया। और तमाम इस तरह की जो कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर छापा पड़ा आईटी का, सीबीआई का छापा पड़ा, उसने 400 करोड़ रुपये का चंदा इनको दे दिया, बदले में उसको 14,400 करोड़ का मुनस्यारी टनल का जो है ठेका मिल गया, जिसमें अभी पीछे हमारे 41 मजदूर फंसे थे उसकी लापरवाही से ही तो फंसे थे। कंपनी की लापरवाही थी, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, तो 41 मजदूर फंसे, हालांकि वो निकाल लिए गए, बहुत अच्छी बात थी, खुशी हुई इस बात की कि वो सही सलामत वापस आ गए। तो इस बात की तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चुनावी धंधा जो है गंदा था, जिसकी परतें अब उधड़नी शुरू हो गई हैं और ये खुल के सामने आया।